आप सभी का एक और बार वापस एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा के समाधि मंदिर यानी कि बूटीवाड़ा। बूटीवाला भले ही बना था भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर के लिए, जो जिसकी ये बात साईं चरित्र में उल्लेख है कि मुरलीधर के लिए बना था और आज बाबा मुरलीधर के स्वरूप में वहाँ बैठे हुए हैं। श्री साईं समाधि मंदिर, ये बाबा का समाधि मंदिर है। और वैसे इस जगह का नाम बूटीवाड़ा था, पर जब से बाबा यहाँ से निवास करते हैं, जब तक यहाँ निवास रहता है बाबा का, ये बूटीवाड़े के जगह साईं समाधि मंदिर हो जाता है। और समाधि मंदिर के दर्शन तो आपने ज़रूर करे होंगे। जब भी आप शिरडी आए होंगे तो आपने बाबा के इस पावन धरा, इस पावन स्पेस के ज़रूर दर्शन करे होंगे। गुरुस्थान से लगा हुआ और द्वारका माई से भी जुड़ा। जब हम अंदर जाते हैं तो प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन होते हैं दरवाजे के ऊपर। फिर हम अंदर जाते हैं, जो राइट साइड में देख रहे हैं बाबा के चरण हैं और लेफ्ट साइड में बाबा का सिर है, और इस तरह से बीच में से भी लाइन जाती है। तो ये बीच की लाइन, ये तो लॉकडाउन के समय का हमने वीडियो निकाला है, जिस कारण क्योंकि उस टाइम भीड़ कम थी, तो इसलिए मैंने उस समय का वीडियो निकाला कि आपको वो एकदम नॉर्मल और अच्छे दर्शन हो। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये बाबा की समाधि है और ऊपर मूर्ति। दुनिया का समझ लीजिए आठवां अजूबा ही है शिरडी, जहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कहीं नहीं हो सकती। ऐसा आपने कोई मंदिर नहीं देखा होगा जहाँ समाधि हो, और ऐसा कोई मस्जिद नहीं देखी होगी जहाँ मूर्ति हो। और बाबा का मंदिर एक अनोखा है, सर्वधर्म का एक बहुत खास जगह शिरडी धाम है। आप देख सकते हैं बाबा सोने के सिंहासन में बैठते हैं, और वो भी एक भक्त के द्वारा चढ़ाया गया। बाबा का जो आसपास का पूरा, आप आसपास अभी दिखाऊंगा आपको, तो वो पूरे आसपास की जगह भी सोने की है। क्योंकि हमारे बाबा के बारे में आप तो जानते हैं कि बाबा के लिए ललकार लगती है कि राजा धीराज, जो राजा का भी ऊपर है, जो महाराजा है, जिसे हम चक्रवर्ती कह सकते हैं, वो चक्रवर्ती की तरह हमारे श्री साईनाथ हैं। और देख सकते हैं आप, ये जो आसपास में पूरा गोल्ड वगैरह दिख रहा है आपको, ये सब कुछ लोग प्रेम भाव श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं और बाबा ले लेते हैं। कि आप प्रेम भाव श्रद्धा से अगर बाबा को सूखी पत्ती भी चढ़ाते हो, वो तक बाबा स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तो भक्त का भाव था, तो भक्त ने अपने तरफ से चढ़ाया और बाबा ने भी स्वीकार किया। यहाँ पे कई सारी कहानियाँ उल्लेख मतलब चित्र के द्वारा बनाई गई हैं, और बाबा का एक बहुत ही प्यारा स्वरूप यहाँ मिलता है। दिन में बाबा की 4 बार आरती होती है, सुबह सुबह काकड़ आरती, दोपहर को मध्यान्ह आरती, संध्या के समय धूप आरती, और रात के टाइम शेज आरती। आपने हमेशा नीचे से बाबा के दर्शन करे होंगे। आज पहली बार छत्र के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से जो फोटेज रहती है ना कैमरे की, ये कैमरे की फोटेज आपको दिखा रहा हूँ। ये समाधि की मीन्स ये फोटेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फोटेज ऊपर से ली जाती है, और ऊपर का कैमरा हमेशा ऑन नहीं रखते हैं, ऊपर के कैमरे से हमेशा वीडियो नहीं लेते, जो बाबा के सामने लगा उस कैमरे से लेते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिस कारण बाबा की और अनोखी वीडियोस आप देख पाएँ और बाबा का एक बहुत ही प्यारा अनुभव अपने पास कर पाएँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, नमस्ते, ओम साईं राम।